Hi friends, welcome to Tasty Healthy Cooking Recipes by ToodsCorner.com. आज मैं आपको सिखाऊंगी सोयाबीन के कबाब, जिसके लिए हमें सामग्री चाहिए बेसन 7-8 बड़े चम्मच, हरी मिर्च कटी हुई, धनिया कटा हुआ, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, नमक स्वाद अनुसार, अदरक ली है थोड़ी सी कटी हुई, सूखा धनिया और सोयाबीन को मैंने पीस लिया है। सबसे पहले ये सोयाबीन जो मैंने पीसी हुई है इसमें बेसन मिलाएंगे। उसके बाद नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। अदरक डालेंगे उसमें। बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। सूखा धनिया। गरम मसाला। थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर। और चॉप किया हुआ धनिया। इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके लिए आप एक बड़ा बाउल लें, उसमें ये सारी चीजों को डालें और उसमें मिक्स करें अच्छे से। ये अच्छे से मिक्स होना चाहिए। इसके छोटे छोटे कबाब बन सकें। इसके आप छोटे छोटे कबाब बना लेंगे इस तरह से। ऐसे करके सारे कबाब बनाएंगे छोटे छोटे कर। इसको आप किसी भी शेप में बना सकते हैं। मैं इसको थोड़ी लंबी शेप में बना रही हूँ। ये मैंने कुछ कबाब बनाए हैं। दूसरी तरफ आप एक पैन में तेल गरम कर लें। ये मैंने तेल गरम कर लिया है पैन में और इसमें कबाब डाले। इसको आपने तलना है जब तक ये हल्के लाइट ब्राउन कलर के ना हो जाए। ऐसे करके सारे कबाब डाल देने हैं। और इनको पलट लें एक तरफ से, ये भी थोड़े ब्राउनिश कलर में होने लग जाए। इनको ऐसे आप पलट लें।
के बाद जब भी लाइट ब्राउन कलर के हो जाएं तो आप इनको एक प्लेट में निकाल लीजिए। ये मैंने एक प्लेट में निकाल लिए हैं। ये देखिए, ये हमारे कबाब तैयार हो गए हैं। इसकी गार्निशिंग के लिए मैंने चॉप किया हुआ हरा धनिया लिया है। इस पे आप हरा धनिया डालें, साथ में रेड सॉस और प्याज कटे हुए, नींबू के साथ इसको सर्व करें। हमारे कबाब तैयार है। Thanks for watching my video. If you like this video, give it a thumbs up. Subscribe my channel for watching more tasty and healthy cooking recipes.